आज एकादशी है और एकादशी लॉर्ड कृष्णा को अति प्रिय है। जैसे कि हमारे बहुत सारे फेवरेट डेज होते हैं, हमारे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इन द सेम वे लॉर्ड कृष्णा को एकादशी बहुत पसंद है। एकादशी के दिन कहा जाता है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको चार लाइन्स सुनाना चाहती हूँ जो मैंने खुद कृष्णा के लिए बनाई। तेरी मुरली की धुन सुननी को व्याकुल कर्ण है मेरे, तेरी प्यारी से दो अखियां ओ कृष्णा मर्म है मेरे, तेरी मुस्कान है विश्वास मेरा ओ मेरे कान्हा, जो पूछे धर्म क्या मेरा कमल से चरण है तेरे, जो पूछे धर्म क्या मेरा कमल से चरण है तेरे। हरे कृष्णा। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि एक बार लॉर्ड कृष्णा यमराज के यहाँ जाते हैं। यमराज उनका भव्य स्वागत कर रहा होता है, बट आप यमराज को तो जानते ही हैं, द गॉड ऑफ डेथ। तो बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट दे रहा होता है यमराज। उसी समय जब भगवान का स्वागत करता है यमराज, तो भगवान को बहुत ही करुण क्रंदन सुनाई देता है, लोगों की रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यमराज से पूछते हैं कि ये क्या सुनाई दे रहा है, तो यमराज ने कहा ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पाप किया है और इसलिए हम इन्हें सजा दे रहे हैं। तो भगवान तो हम सबके पिता हैं, उन्हें दया जाती है और वो उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम सभी को सारे सिंफुल एक्टिविटीज से, सारे पाप से मुक्ति दिला दूंगा, बस तुम्हें एक काम करना है, एकादशी के दिन व्रत रहना है। जो पाप पुरुष रहता है, पाप पुरुष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिंफुल रिएक्शंस एंड ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज। पाप पुरुष को भगवान ने इसीलिए बनाया है क्योंकि जो लोग भगवान के मार्गदर्शन पे नहीं चलते, भगवान के कही हुई चीजों पे नहीं चलते हैं, उनको उनके कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने पाप पुरुष को बनाया। तो पाप पुरुष ऐसे लोगों के अंदर निवास करता है जो उनके कहे हुए मार्ग पर नहीं चलते। तो जब भगवान बोलते हैं कि एकादशी के दिन मैं सबको फ्री कर दूंगा, तो पाप पुरुष बोलता है कि प्रभु आपने मुझे बनाया है और अगर आप सभी को एकादशी के दिन सारे पापों से मुक्ति दिला देंगे तो मेरा निवास स्थान क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा। तो भगवान ने कहा कि उस दिन तुम अन्न पे रहोगे। तो एकादशी के दिन जो भी अन्न ग्रहण करता है वो एक तरह से पाप खा रहा होता है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि एकादशी के दिन अन्न ना लें, और अगर आप व्रत भी नहीं रह सकते हैं तो आप दोनों टाइम फलाहारी भोजन कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न ना लें। हरे कृष्ण।